आज की वीडियो सबसे डेंजरस है। मैंने आवाज इसलिए नीचे कर ली क्योंकि मैं घर पे बोलने वाला हूँ कि मैं जिम जा रहा हूँ और जिम व्लॉग करूंगा मैं आज। बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं जिम ही नहीं जाने वाला, मैं 2 घंटे घर में छुपने वाला हूँ। मम्मी को बोलते हैं बाय बाय और निकलते हैं। I'm all set. Let's go. बैग उठा लो। बस प्रोटीन डाल लेते हैं भाई बैग में। मम्मा ये प्रोटीन साफ कर दो, गिर गया। आज कहीं खाम है, कौन सी नई बात है। मैं प्रोटीन रोज गिराता हूँ तो और क्या, डेली यहाँ गिरा होता है और चींटियों का ढेर लग जाता है। You don't know, protein is the secret of my biceps. अच्छा तुम नहीं समझोगे, आज मैं इतना सेक्सी जिम व्लॉग करेगा ना दुनिया पूछेगी। बॉडी दिखाऊंगा गाइस आज मैं सबको। ऐसा तुम्हें लग रहा है, सही लग रहा है। तो गाइस फाइनली मैं जिम के लिए निकल चुका हूँ। ऐसा मम्मी पापा को लग रहा है, अब मेरे को जाना है वापसी ऊपर। बस मैं ये बैग अपना गाड़ी में रख दूँ क्योंकि मैं अपने आप को छुपाना चाहता हूँ, बैग को नहीं तो बोझ बढ़ जाएगा मेरे सर पे। गाड़ी खोल दी है और भाई ये देखो गरीबों की गाड़ी। लाइक कर दो, 4-5 लाख लाइक कर दो, एक नई गाड़ी ले लेंगे यार। अब है हमारा मेन मिशन कि हमार को जाना है ऊपर, घर के अंदर छुपना है हमार को 2 घंटे के लिए, 120 मिनट के लिए। एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो हमार को निश्चय को मम्मी को पापा को तीनों को सरप्राइज करना है। लाइक उनको रिएक्शन आना चाहिए कि हाँ भाई, उनको पता ही नहीं चला, तभी जाके मैं चैलेंज जीतूंगा। अब है शो टाइम, 120 मिनट, पकड़ा नहीं जाना चाहिए। ऊपर चलते हैं, छुपते हैं। ओके तो फाइनली मैं छुपते छुपते ऊपर आ गया हूँ भाई। मेरे को डर लग रहा है ऐसे ना, आंटी उंटी लोग देख रहे हैं इधर छतों पे मेरे को, एंड मेरे घर वालों से मुझे आज बचना है। दिस इज गोना बी अ टफ चैलेंज। बट अभी मेरे को पता है 4 बज गए, मैं जिम जाता हूँ निश्चय तब उठ के घर जाता है। लाइक नाउ लेट्स सी कब निकलता है कब नहीं, मैं यहाँ से देखता हूँ। भाई 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 दिस इज डेंजरस चैलेंज भाई, मेरी फट रही है पता है, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज है। एंड आई होप अभी दरवाजा खुला हो, क्योंकि अगर दरवाजा खुला नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं से घर में एंट्री चाहिए। अब मैं इसके स्टूडियो में भी नहीं जा सकता, आज कपड़े भी धुले यहाँ पर। मैं देखूँ लॉक तो नहीं करा हुआ, प्लीज भाई खुला हो। स्टूडियो लॉक करके गया हुआ यार, यहाँ से एंट्री हो। ये भी बंद है, देखो यहाँ से मेरे को आंटी देख रही है। ये जब से मैं ऊपर आऊ ना तब से देख रही है कि ये कर क्या रहा है। मैं क्या बताऊ, मैं क्या कर रहा हूँ। आज मैंने गंदा चैलेंज ले लिया सर पे। बस अब हमारे को देखना गेट खुला हो नहीं खुला हो, यहाँ के तो नहीं खुले, नीचे देखते हैं। गेट खुला है, मेरे को घुसना अंदर। मैं घुस गया। ओ यस, मेरे को नहीं समझ आ रहा कितने केयरलेस है, इनके घर में कोई घुस गया भाई, क्या कर रही है। काम वाली आंटी काम कर रही थी, मेरे को शक है कि उन्होंने ना देख लिया हो। ये भाई इनकी आज क्लास लगेगी इस वीडियो के बाद, कि अपने घर में तुम्हारे इंसान छुप रहा है, तुम्हारे को मिल नहीं रहा, क्या कर रहे हो भाई। मैंने जूते उतार दिए यहाँ पर भाई, साइड में छुपा के रखता हूँ, पकड़े ना जाओ। अभी निश्चय ने टॉवल मांगा है, वो नहाने गए, मतलब उसकी कोई मीटिंग है। भाई निश्चय नीचे आया, नहाया, ऊपर चला गया, मुझे नहीं पता उसने कुछ खाया नहीं खाया, क्या करा है भाई, पकड़ा जाऊंगा, मेरे को डर लग रहा है। अब मेरे हिसाब से मेरा अनुमान है मेरे घर में सिर्फ 3 बंदे हैं, आंटी मम्मी और पापा, इन तीनों से बचना है। इतनी गर्मी यहाँ पर, कोई आ रहा है, कोई
भाई कोई आया और चला गया, क्या चल रहा है? निकलते हैं। ओ भाई, इट वॉज अ नियर एस्केप भाई, जस्ट बचाओ। दो फोन है इसलिए मैं रिकॉर्ड कर दूँ, रिकॉर्डिंग पे लगा दी और भाग रहा हूँ मैं भाई। हालत देख रहे हो, कि गर्मी इतनी लग रही थी, आंटी वो भी बंद कर गई। लिटरली एट दिस मोमेंट भाई मेरे को मेरे से स्मेल आ रही है, मैं बस बच रहा हूँ, कैसे भी 2 घंटे सर्वाइव करने हैं मेरे को। पंखा अगर मैंने ऑन कर लिया तो उनको पता चल जाएगा कि पंखा मैं ऑफ करके गई हूँ। मेरे को यहाँ से अब लोकेशन चेंज करनी है भाई। आंटी तो गई, उन्होंने बोला वो ऊपर जा रही है, मम्मी गई है अभी रूम की तरफ। यही मौका है, यही मौका है, यही मौका है, यही मौका है। मैं छुप गया हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ मेरे को सच में कोई नहीं ढूंढ सकता। कितनी कोशिश कर ले भाई, मैंने सामने लगा दी चेयर, अब ढूंढ लो। बस आई होप कोई आए ना सामने, बस मेरा फोन ना पकड़ा जाए। वहां सुनो, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मम्मी को बताना मत कि मैं घर पे हूँ। और ये फोन तुमने उठा लिया, मैंने रिकॉर्डिंग पे रखा था। पापा को भी नहीं बताना कि सुन जाना। पक्का प्रॉमिस, डील करो, ऐसे दिखाना जैसे मैं हूँ नहीं, ठीक है? और हंसना मत। ये आंटी की ना बहुत बड़ी दिक्कत है, ये मम्मी के सामने ये हंसने लग जाएगी। बंद कर दो, बंद कर दो। लिटरली मेरे को लग रहा था भाई कि खत्म होगी गेम, आंटी ने पकड़ लिया। यार मैं नहीं चाहता था आंटी पकड़े मेरे को, बट मम्मी पापा के पास अभी भी सस्पेंस है, वो नहीं पकड़ना चाहिए भाई। 6 महीने से पहले नहीं। अब मैंने पानी इतना पी रखा, मेरा सुसु है, अब सुसु करना भी टास्क है यार। ये कैसी जिंदगी है। गेट बंद है इधर। मम्मी शायद डाइनिंग रूम में नीचे ऊपर है, पापा इधर। भाई ये लाइट्स ऑफ रखो भाई। सुसु करने के लिए भी फ्लैश लाइट मारनी पड़ेगी, ये नहीं सोचा था मैंने कभी भाई। चलो अब इससे ज्यादा मैं तुम्हारे को दिखा नहीं सकता मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ भाई।
की देख के डर तो लगा ही होगा मम्मी को, मैंने कहाँ पर फेंक दिया, किसने फेंका। लेकिन भाई आंटी और मम्मी हंस रही है, इन्होंने बता ना दिया हो। मम्मी को बता तो नहीं। मेरे को भूख लग रही है। हाँ कुछ बिस्किट विस्किट कुछ भी अलमारी से मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए, निकाल के लेके आओ। ठीक है पक्का पता नहीं चलना चाहिए। भाई आंटी कैसे निकालेंगे मम्मी से बच के, मम्मी की आँखें तेज है, पर मम्मी की आजकल ना तबीयत थोड़ी ढीली है इसलिए मम्मी को पता नहीं चलता। मैं बिस्किट क्यों मांग रहा हूँ? सेवियर है भाई, लिटरल आंटी सेवियर है भाई। इतनी मेहनत तो कभी भी नहीं हुई ना मैं करता। निश्चय इधर है रूम में, मम्मी पापा नीचे हैं। मम्मी पापा को तो चकमा देना मेरे को पता ही था, हमेशा से आसान है। मैंने वैसे ही बहुत दिए, बहुत नाइट आउट मारे हैं। मम्मी पापा क्यूट है यार, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ। एक्चुअली उनको ना पता ही नहीं चलता मैं चिल्ला रहा होता हूँ रात को, पता मेरी वीडियोस रात को बनाता हूँ चिल्लाते हुए। मेरे मम्मी का स्टूडियो, मेरा स्टूडियो बिल्कुल मम्मी पापा के रूम के साइड में, उनको होश भी नहीं रहता क्या मचाओ शोर। हमको क्या मुश्किल है निश्चय को फंसाना। भाई मैं जिम नहीं गया तो मैं सोच रहा हूँ थोड़े पुशअप्स वुशअप्स कर लिए जाए। लेट्स गो। निश्चय कुछ कर रहा है, इसका मेरे हिसाब से बंद ही है, डराऊं इसे। भाई किसी के साथ मीटिंग में है भाई, ओ क्रेजी क्रेजी भाई क्रेजी। ओके तो फाइनली टाइम कंप्लीट हो गया है, 6 बज चुके हैं, मैं अपना मिशन कंप्लीट कर चुका हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक आंटी ने पकड़ा है इस मिशन में, बट अब है असली धमाल, मैं करने वाला हूँ निश्चय को परेशान। उसकी मीटिंग वीटिंग बस देख लेता हूँ ख़त्म हो जाए, और अब देखना फिर चप्पलें फेंक के मारने वाला हूँ मैं उसको। चप्पल फेंकूंगा अबे यार मुड़ गया यार। देखो पता है मैं 2 घंटे से लिटरल 2 घंटे से घर के ऊपर नीचे और किसी को नहीं पता कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता ना इसलिए। यार ये कोई बात है मतलब अपनी कोई इज्जत नहीं है मेरे को, तेरे को पता है तू यहाँ ऊपर नीचे कर रहा है, किसी को इसलिए नहीं पता चला क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता तू कहाँ है, क्योंकि तू घर होता कब है, तू घर कभी हो तो किसी को फर्क पड़े ना, जो बंदा होता ही नहीं कभी घर वो कहाँ है। सीक्रेट मीटिंग कर रहा था मैंने तेरे को तब देखा है तो क्या हो गया, क्या करा तूने मेरी सीक्रेट मीटिंग देख के क्या कर लिया यार। मेरे को दूसरी चप्पल भी फेंक के मार रही थी तेरे को, ये तूने चप्पल फेंक के सारे शर्म कर सफाई कर, इसमें क्या सफाई, साफ तो बड़ा है। मम्मी को भी सरप्राइज करना है। यस मिशन अकम्प्लिश्ड। चला जा। मामा तुम्हारे घर का गेट खुला रहता है तुम्हारे को पता नहीं चलता क्या? पहले मुझे ये बता तू आज इतनी जल्दी कैसे आ गया? मैं जिम से जल्दी नहीं आया। हाँ। मैं जिम गया ही नहीं मतलब? डिंपल रानी घर से तो तू बैग बैग उठा के लेके गया। बड़े पिछले 2 घंटे से ना 4 बजे से लेके अब बज चुके हैं 6:15, मैं घर पे ही था, और अब जब वीडियो आएगी ना तो आप एक्सपोज हो गए, पापा एक्सपोज होंगे कि आंटी सिर्फ काम वाली आंटी कैसी थी जिनको पता चला कि मैं घर पे हूँ। मेरे को ना उस कमरे में मैं बार बार जा रही थी, कभी मिक्की माउस गिर रहा है, कभी चद्दर खराब हो रही है, कभी कुछ। मैंने तो चद्दर खराब करी नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने चद्दर भी साफ करी मतलब ये अब आप कुछ भी बोल लो, अब आप चाहे कुछ भी बोल लो, पर तो छुपा कहाँ था मुझे ये बता। ये जब वीडियो आएगी तब आपको पता चलेगा। इतना बड़ा बंदा, आप एक बार हालत देख रहे हो मेरी, पसीने से लथपथ हो गया। ये तो निश्चय को भी मैंने जान के पकड़ने दिया अपने आप को, मैंने चप्पल फेंक के मारी उसके स्टूडियो में।
शब वही सबको पकड़ता है भाई वो। अरे वो इस बार उसने पकड़ा नहीं, मैंने उसको पकड़ने दिया, मैंने कहा एक चप्पल मारेगा भग जाना चाहिए, तो मुझे छुप जाना चाहिए था। मैं थक गया भाई, मोटा आदमी 4 बजे से घूम रहा है 2 घंटे, भाई मम्मी को तो डरा दिया मस्त, ठीक है, और पापा के साथ भी मैंने मजे ले लिए थे, पर पापा को फर्क ही नहीं पड़ता मैं जिंदा हूँ या कहाँ हूँ, ही डजंट केयर। वो कह रहा तू कहीं हो, और निश्चय कह रहा क्या कर लिया फिर 2 घंटे छुप के, वहां मेरी वीडियो का मतलब खत्म हो गया। ओके गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जब वीडियो आएगी तो इनको और पापा को पता चलेगा कितने आलसी है इनको, कौन सी दवाई खा के सोते हो, मेरे को तो ये नहीं समझ आता कि पता नहीं चलता आप लोगों को। मैं कहां सो रही थी, मैं तो अपना इस रूम में अपने कपड़े, फिर तो और बुरी बात है, आपको यही नहीं पता क्या हो रहा है आपके साथ इस घर में, अब मुझे सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। मिलते अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।